व्हाइट कलर का छोटा सा घूमट दिख रहा है, मंदिर नहीं खाली दिखावे के लिए घूमट बना रहा है, लेकिन इसी के नीचे बड़ी सी चट्टान है, चट्टान के नीचे गुफा, इसी गुफा के अंदर यात्री विचार करते हैं अपना मंदिर कौन सा, बीच में देखेंगे पीले कलर का येलो कलर का, बोले मंदिर अपना यही है, क्या करते हैं यहाँ से भाग करके चले जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद में अपने हथियार डालते हैं, हथियार डालने का कारण उस गेट के ऊपर लिखा हो बड़े अक्षरों के अंदर मध्य मंडप, और मध्य मंडप का मतलब होता है सेंटर, बोले आधे में पहुंच के आधार करना बाकी है, गाड़ी अपनी रवाना हो जाएगी, काम करते हैं यहाँ पर प्रणाम करके नीचे चले जाते हैं, नहीं जो यात्री वहां तक चले गए छोटे छोटे पहाड़ चलाते हैं, लास्ट और एंड मोमेंट पे यहाँ पर लाने के बाद में जो सिखाने वाला होता है बिना रस्सी के सारे ऊपर चढ़ता है, रस्सी बांधता है, सिखाने वाले बच्चों के लिए रस्सी के सारे ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, इनका फाइनल पेपर यहाँ होता है, जब वो बच्चे बिना रस्सी के सारे ऊपर चढ़ना नीचे उतरना पर सीख जाते हैं, बाद में उनको भेज देते हैं हिमालय ग्रुप की चढ़ाई के लिए, तो ये 3500 का रॉक, आपको यहाँ पर ट्रैकिंग नहीं करनी है, रूट बने हुए देखो सामने एकदम 3-4-5 नंबर, आपको ट्रैकिंग का असर रहेगा, बीच में से कहीं नहीं, फोटो का पॉइंट बीच में कहीं नहीं, सामने में यहाँ पर ये आप देख रहे हैं यहाँ से फोटोग्राफर का जो फोटोग्राफर फोटो निकालते हैं, यहाँ पर खड़े करने के बाद में रॉक के साथ में रॉक से बाहर निकलने वाला डबल रोल, अगर कपड़ा पहनना है तो आपको कपड़ा फ्रेश नहीं मिलेगा, हेलो
की बात है, भगवान राम हुए ना उस समय की बात है। उस समय इस आबू पर्वत की जगह पाताल खाई थी 150 किलोमीटर परिधि में, पूरा मरुस्थल रेगिस्तान था। उस समय इधर गुरु वशिष्ठ था और इस गर्त के किनारे उनका स्थान था। उस समय इनके पास में देवताओं की गाय रहती थी, काम नंदनी। नंदनी अभी छुट्टी, एक बार इस जंगल में चलते हुए पता नहीं जी फोटो बंद कर दो और दूसरे जीवों को तो कोई बसा भी नहीं सकता होगा। हजारों जीव रोजाना लोग के बोले तो किसी पर्वत को बुला के इस रथ को विकर किया जाए, तब ये हिमालय के पास है। और हिमालय बोला कि गुरु मेरे बेटे तो जरूर है कर गए, लेकिन ये सब चल इनके पंख निर्दयता के द्वारा कट गए हैं, तो ये चल फिर नहीं सकते, ये वहाँ चल के नहीं। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि मेरा छोटा जो पुत्र है नंदनी वर्धन, लेकिन उसका एक मित्र अर्बुद उसमें अभी भी उठने की शक्ति है, तो वो इसको मेरे पास ला सकते। अर्बुद ना था यहीं से मेरे पैर को बढ़ा के तेरे को स्थिर कर दूंगा, हम उठा बता तो सुंदर की तेरी भागी नाम स्थिर हो गया चल हो गया। इसलिए अश्लेश्वर के नाम से भगवान शिव भी यहाँ प्रकट स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए खाई बोला चल को चल दिया। ये अभी शिव में तो ये अश्लेश्वर तो ये अभी तक खाई है, चलो आ जाओ।